कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक है, खुश है, मजे में एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आप हमें एक ऐसा DIY दे सकते हैं जिसे हम लगातार बस लगा के 3-4 दिन के लिए भूल जाएं। आप बोले और मैं ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही DIY देने जा रही हूं जिसको लगा के आप 3-4 दिन के लिए घूम सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं और इसके अनगिनत बेनिफिट हो सकते हैं आपके बालों के लिए। लेकिन जो ये DIY है ना, ये आपको 2 तरीकों से यूज करना पड़ेगा। एक तो आप इसे पूरा दिन लगा के घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, किस मेथड से आपको लगाना है, दोनों मेथड करने कंपलसरी हैं अगर आप इस रेमेडी का पूरा बेनिफिट बालों पे देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मेथड अपनाने से ही अपना पूरा बेनिफिट आपके बालों पे नहीं छोड़ पाएगी और ये आपके बालों को हेल्दी बनाने में मतलब बहुत कुछ करेगी ये आपके बालों पे। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूंगी इसके बेनिफिट और कैसे आपको इसे अपने बालों पे लगाना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज का DIY। रेमेडी बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन, पैन के अंदर डाल देना है आपको आधे से थोड़ा सा ज्यादा पानी, यानी कि 1/4 गिलास पानी। और आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्रीन ग्रीन मैंने इसके अंदर डाला है फ्रेश एलोवेरा, हाँ ग्रीन पार्ट के समेत एलोवेरा मैंने इसलिए लिया है, अगर ये मुझे इतना सारा बेनिफिट दे सकता है बालों में, मेरे बालों को लंबा बना सकता है, घना बना सकता है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है, ड्राई डैमेज बालों को हटा सकता है, तो ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल हो सकता है। आप यहाँ पे पैकिंग वाला यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा है ना, तो ये बड़े अच्छे से आपकी हेयर ग्रोथ रेट को बढ़ाता है बालों को, स्पेशली सिर्फ अगर आप लंबा बनाना चाहते हैं तो उसमें एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है, बहुत अच्छा होता है स्पेशली हेयर लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, इसको पकने देंगे, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा, जब ये लगेगा कि नहीं हाँ ये थोड़ा सा उबल गया है, फिर हम इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। तो मैं इसे पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं पानी का कलर ग्रीन हो चुका है, ये हल्का सा पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे क्लोंजी, यानी कि ब्लैक सीड, क्यूमन सीड, जिसको आप ब्लैक जीरा भी बोलते हैं। ये क्लोंजी एलोवेरा के साथ मिक्स होकर बड़े अच्छे से आपके बालों को ग्रोथ करेगी, आपके बालों को ब्लैक बनाएगी, आपके बालों को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी। बहुत ही अच्छी होती है क्लोंजी अगर आप एलोवेरा के साथ मिक्स करके इसको लगाते हैं। दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अच्छे से हम इसको उबाल लेंगे। हमारा जो ये पानी है ना, ये बिल्कुल अच्छे से उबलना चाहिए ताकि इंग्रेडिएंट्स के सारी पावर पानी के अंदर आ जाए और इसका पूरा फायदा आपके बालों को मिल सके। अगर आप अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बालों को मोटा बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प से नए बाल उगें, तो ये रेमेडी डेफिनेटली आप अपने बालों को दे सकते हैं, अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो मैं इसको अभी कुछ देर के लिए और उबालूंगी, अच्छे से उबालूंगी ताकि हमारा जो पानी है वो 1/2 गिलास ना रह जाए। ठीक है, बड़े अच्छे से एक हमारा मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। और इस रेमेडी की खासियत ये होगी कि आप इसको 3-4 दिन के लिए लगा सकते हैं, लगा के छोड़ सकते हैं बालों पे, और वो कैसे करना है वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। तो मैं पहले इसको पका लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं रेमेडी कितनी अच्छी बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आपको लेना है खाली कंटेनर, क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है, इसीलिए आप लेंगे कांच का कंटेनर। कांच के कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे। तो लीजिए, ये बनके तैयार है हमारी रेमेडी। अब मैं इसका लगा दूंगी ढक्कन और फिर चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको आप किस तरीके से यूज करेंगे कि ताकि आप इसको 3-4 दिन के लिए अपने स्कैल्प पे लगा के घूमें और आपको इसका सिर्फ बेनिफिट मिले, कोई साइड इफेक्ट आपको आपके बालों पे ना दिखे। तो ढक्कन लगा के बिल्कुल अच्छे से एयर टाइट जार में आपको इसे स्टोर करना है। तो चलिए फिर देखते हैं आपको किसे कैसे यूज करना है। मैंने बोला कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं रखेंगे। पहला मेथड, जिस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, आपको ये रात में लगाना है। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा बेनिफिट आपके बालों पे नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि आप इसको रात में लगाएंगे, 1 चम्मच निकालेंगे, इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, हाथ डालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो चम्मच के साथ निकालना है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी भी चम्मच आपको लगे उतनी निकाल के आपको अच्छे से अपने बालों पे मसाज कर लेनी है। हाँ, हेयर लेंथ पे भी आपको इसे लगाना है, क्योंकि एलोवेरा जेल है और एलोवेरा जेल आपके बालों को स्मूथ बनाने का काम करेगा। इसीलिए स्कैल्प से लेके पूरी हेयर टिप्स तक आपको लगा लेना है, लगा के पूरी रात भर के लिए आपको इसे छोड़ देना है।
पहला तरीका, और ये तरीका कंपलसरी है, ये तरीका आप करेंगे ही करेंगे इस रेमेडी के साथ। जैसे ही सुबह होती है आप उठते हैं, आप देखते हैं अपने बालों की तरफ, तो आधा मतलब कि 60% रिजल्ट तो आपको वहीं पे दिख जाएगा, आपके बालों को देख के। आपके बालों में आपको ब्लैकनेस दिखेगी, आपके बालों में शाइन दिखेगी, और आप खुश हो जाने वाले हैं पक्का, डेफिनेटली। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा इस रेमेडी को। सेकंड, आप जैसे शैम्पू करने जाते हैं, जो पानी आप हेयर वॉश के लिए लेते हैं, एक बकेट भर के लेते हैं, एक टब भर के लेते हैं, जितना भी आप पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर आपको इसकी 2 चम्मच डाल देनी है, जिस पानी के साथ आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं, और उस पानी के साथ आप शैम्पू कर देंगे। और फिर सिंपल पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं धोना है, उसी पानी के साथ आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। मतलब कि जब तक आप दोबारा शैम्पू नहीं करते हैं, तब तक ये रेमेडी आपके बालों पे ही टिकी रहेगी, और ये पूरा बेनिफिट आपके बालों को देती रहेगी। तो 2 तरीके मैंने बताए ना, अब ये मत बोलना कि कोई एक तरीका कर सकते हैं, दोनों ही तरीके कंपलसरी हैं करने, तभी ये रेमेडी आपको डबल बेनिफिट दे पाएगी। तो इसे जरूर ट्राई करना है, और जो भी आपका फीडबैक होता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ बिल्कुल प्यारी सी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।